जय गुरु। योग कर्मेशु कौशलम का अर्थ क्या है? तो श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, योग नहीं रहने पर कर्म का कौशल प्रकट नहीं होता है। कोई काम सुंदर रूप से करने के लिए मन में जो एकाग्रता और स्थैर्य की जरूरत है, इसके लिए ट्रस्ट नशा चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, डू अदर एंड हैव द प्रैक्टिस टू डू। निष्ठावान होकर कर्म कौशल आयत करना। योग कर्म कौशल अर्थ कौन? श्री ठाकुर कहते, योग न रहा द्वारा कर्मर कौशलता प्रकट हुए ना, कौन सी भी काम सुंदर रूप से हो पारे ना। एवं से सब काम सुंदर रूप से होने मन जो एकाग्रता स्थिरता एवं धैर्यर आवश्यकता से पेष्ट नशा दरकार। से कहा जाए कि निष्ठावान होकर कर्मकौशल को नियंत्रण करने को। डू अदर एंड हाव द प्रैक्टिस टू डू। जय गुरु।